हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। तो कैसी है मेरी स्मॉल सी यूट्यूब फैमिली? आई होप ठीक होगी और होनी भी चाहिए। और आपका भाई मिस्टर 46 भी काफ़ी ठीक है। तो आपका भाई काफ़ी दिनों बाद ब्लॉगिंग करने जा रहा है, तो कुछ इश्यू हो गया था तो मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाया, तो सॉरी गाइज। तो आज आपका भाई जा रहा है शूट करने वीडियो। बिल्कुल सेट का काम करवाना है बाइक का, क्योंकि हैंडल काफ़ी वाइब्रेट कर रहा है और हैंडल झटके भी दे रहा है। तो अभी मैं कल गिरता बच गया बाइक में, तो अभी चलते हैं। और मुझे टाइमिंग चेंज का काम कराना है, अगर टाइम मिल पाएगा तो वो सारा मैं करवाऊंगा। तो अभी आगे चलते हैं, आपसे करता हूं आगे से बात, और तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों को आगे। तो गाइस, निकल चुका है आपका भाई वैनम को लेके, और अभी देखिए हैंडल का काम कराना है जो मैं कौन सेट का बोल रहा था, और टाइमिंग चेंज की भी काफ़ी आवाज़ आ रही है, तो वो काम भी कराना है पूरा। अभी आप लोगों को मैं मिलता हूँ आगे, मेन हाईवे से करता हूँ आप लोगों से बात। तो चलते हैं गाइस। मैंने सोचा 3-4 दिन से ब्लॉग नहीं बनाया, तो मेरे फैंस लोग भी रुके होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे दिल्ली में आके हर दूसरे तीसरे दिन ब्लॉग डाल रहा था, पर अभी तो 3-4 दिन से काफ़ी लेट हो गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्लॉग बना लूँ। तो आज से मैं देखो ब्लॉग पूरा रन करने की कोशिश करूँगा हर रोज़, ना मुझसे हो पाएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा गाइस। और ब्लॉग देर से आ रहे हैं, इसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगा आप लोगों से। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ मेन हाईवे में, तो निकलते हैं अभी एकदम बूम बम। और तबीयत भी थोड़ी ख़राब टाइप की चल रही थी, तो थोड़ा सर्दी जुकाम की वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही थी, वो भी एक रीज़न है ब्लॉग ना बनाने का। क्योंकि अब मैं फील अच्छा कर रहा हूँ, तो मैं आज फुल ब्लॉग बनाने के लिए निकल रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो अभी हैंडल का काम भी कराना है कौन सेट का, और टाइम मिलेगा तो टाइमिंग चेन का भी काम कराएंगे, क्योंकि इंजन से बार बार चक 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 वाली आवाज़ आ रही है, तो मज़ा नहीं आ पा रहा। तो चलते हैं गाइस, मज़ा लीजिए आगे का। देखिए अपना पिछले दिन वाला ही वे है, एकदम सीधा ही सीधा है, और यहाँ पे काफ़ी विंड ब्लास्ट होता है, तो आवाज़ भी एकदम क्लियर नहीं आ पाती है। तो मैंने गाइस अपना वाइजर नीचे किया हुआ है, तो आप लोगों को आवाज़ साफ आ रही होगी। पिछले दिन आपका भाई सागर भाई के साथ आया था, बट आज आपका भाई सोलो राइड पे है, क्योंकि सागर भाई ड्यूटी में गए हुए हैं, तो उनका पॉसिबल नहीं था ना, तो मैं अभी सिंगल निकल रहा हूँ। और गाइज मेरा एक टूर बनने वाला है, वो भी अभी मैं घर नहीं जा रहा हूँ, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, क्योंकि वो सीक्रेट है अभी, वो कोई कंफर्म नहीं है, तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। जब कंफर्म हो जाएगा तो मैं एकदम जाते हुए आप लोगों को सारा दिखाऊँगा, एक्सप्लोर कराऊँगा। और मैं काफ़ी खुश हूँ, मेरी गाड़ी के सारे काम एकदम से निपटते जा रहे हैं। और यहाँ से लेते हैं लेफ्ट, और एकदम आगे से राइट लेना है अंडर पास से। और जो गाइस अभी अगला टूर होने वाला है, ना मैंने सोचा है ना आप लोग सोच सकते हैं गाइस कि कितना इनक्रेडिबल टूर होगा, और एकदम मज़ा ही आ जाएगा फुल पावर के साथ। तो गाइस मैंने अंडरपास से एकदम राइट ले लिया है, और वहाँ से बाहर निकल चुका हूँ। अब पांडव नगर यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, वहाँ पर है ऑथराइज यामा का शोरूम, तो जहाँ मैं पिछले दिन गया था वहीं पर काम कराना है। तो अभी यहाँ से लेंगे लेफ्ट, और एकदम अभी यहाँ से सीधा सीधा है। पर अभी स्कूल की छुट्टी हो रही है, तो देखिए काफ़ी भीड़ लग रही है रोड पे, और ब्लॉग थोड़ा लंबा जाएगा गाइस, क्योंकि काम करवाना है, तो मैं आप लोगों को सारा दिखाने की कोशिश करूँगा। और देखिए गाइस स्कूटी वाला कितनी एक्टिंग देते हुए जा रहा है, अगर गलती से चढ़ जाएगा तो बुरी हरकत हो जाएगी, एकदम गंदी हालत हो जाएगी। वो देखिए उछालते हुए जा रहा है एकदम, और रोड भी काफ़ी ख़राब है यहाँ पर, मैं तो भाई आराम आराम से चलूँगा। तो रख चुकी है गाइस रेड लाइट, आप लोगों से करता हूँ आगे बात।
अभी पहुंचने वाला हूं सर्विस सेंटर पे और देखिए काफ़ी गंदा जाम लग चुका है, काफ़ी गंदा कीचड़ हो रहा है गाइस, यहां पे मज़ा नहीं आ पा रहा। तो गाइस शोरूम में पहुंचने वाला हूं, मिलता हूं आपको शोरूम के बाद। आपका वाइप आ चुका है यहाँ पे और देखिए गाड़ी का काम हो रहा है। तो गाइस अभी ये चेंज होगा क्योंकि हैंडल काफ़ी हिला था, तो अभी इसका काम हो रहा है, तो फिर इसको चेंज करा के दिखाते हैं आप लोगों को आगे। तो फ्रेंड्स देखिए अपना बिल बन चुका है और अपना काम भी हो चुका है, फाइनली अपना काम हो चुका है और भैया गाड़ी बाहर निकाल लें। और अभी टाइमिंग चेंज का काम कराने का समय नहीं है मेरे पास क्योंकि मुझे जाना है और भी काम है, तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, तो सीधे मिलते हैं आप लोगों को आगे। तो गाइज आपका भाई निकल चुका है शोरूम से कौन सेट का काम करा के। अब ब्रेक देखिए काफ़ी तगड़े लग रही है, देखिए अब मज़ा आ रहा है काफ़ी, और अब गाड़ी चलाने में भी काफ़ी हैंडल फ्रीली हो चुका है। तो अभी बूम बाम चला के चेक करते हैं। अब मज़ा आ रहा है गाइज काफ़ी, जब गाड़ी में इश्यू आने लग जाते हैं तो काफ़ी टेंशन होती है और जब इश्यू चले जाता है तो काफ़ी मज़ा आता है गाइस। देखिए गाइस फाइनली आपके भाई का सारा काम हो चुका है, बस लास्ट एक टाइमिंग चेन का काम रह चुका है, वो भी हो जाएगा और लग चुकी है रेड लाइट। गाइस आपके भाई का काम काफ़ी टाइम से चल रहा था और अभी हो चुका है, और अभी देखिए यहाँ का मौसम काफ़ी सुंदर है, बढ़िया धूप भी आई हुई है और गर्मी भी काफ़ी बढ़ चुकी है। गाइस हैंडल भी वाइब्रेट नहीं कर रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है, तो चलते हैं फटाफट से। काम को कराने में एक डेढ़ घंटा लग गया और अभी मुझे भूख भी लग रही है क्योंकि सवेरे में बिना नाश्ता किए निकला था घर से, और भाई लोग आजकल प्यार नहीं दिखा पा रहे, शायद भाई लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे नहीं लग रहे, वैशाली मोहन नगर गाजियाबाद मेरठ, तो अब मुझे पूरा लेफ्ट लेना है। की बैटरी भी ख़त्म होने वाली है और रेड लाइट लग चुकी है, थोड़ी बैटरी आगे भी चाहिए ब्लॉक एंड करने के लिए। तो फ्रेंड्स पहुंच चुका हूं मैं अपने सेक्टर 5 के अंदर और काफ़ी मज़ा आ रहा है, ये कर लिए मैंने एंट्री सेक्टर 5 के अंदर। और गाइज बताना आप लोगों का आज का ब्लॉग कैसा लगा और मेरी आज की राइडिंग कैसी लगी, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आपके भाई की वीडियो, आपके भाई का ब्लॉग आपको कैसा लगता है। तो मिलता हूँ आप लोगों एक अच्छी ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।